हेलो स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में आरडी शर्मा का सॉल्यूशन। चैप्टर है आपका लिमिट्स की एक्सरसाइज नंबर 29.7। मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से लिमिट के फॉर्मूले और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपके यूज़ में आने वाले हैं, तो सबसे पहले उनका रिविजन कर लेते हैं अपन लोग। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट के फॉर्मूले पर देखते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है बेटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा, क्या आता है यहाँ पे? साइन थीटा टेंस टू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो आएगी। सेकंड फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? वन आएगी। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। फोर्थ फॉर्मूला है बेटा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। फिफ्थ फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या है? टेन थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वन। तो ये पांच फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है, उसके द्वारा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट जो है वो सॉल्व आसानी से 29.7 एक्सरसाइज में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, तो पहला फॉर्मूला देखिए, तो पहला फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले यहां पे आपको यहां फॉर्मूला आना चाहिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकंड फॉर्मूला कॉस टू थीटा, ऐसा फॉर्मूला क्या होता है? कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ए फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन। तीसरा फॉर्मूला आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला जो है आपका, अगर मैं इसी से ही फॉर्मूले और बनाऊँ, तो वन प्लस कॉस टू थीटा, इसका आ जाएगा टू कॉज स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू थीटा, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। और फिर आपको पता ही है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से आपका जो है कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? और सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ जो आपका फॉर्मूला है कॉसिक थीटा क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा। एंड सेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस थीटा। सो इस प्रकार के फॉर्मूले जो हैं आपको आने चाहिए। क्लियर है? और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, टेन टू थीटा का फॉर्मूला है आपके पास, तो क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्म में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता तो क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा का फॉर्मूला हो टेन की फॉर्म में, तो टू सॉरी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आपके हैं। अब थ्री थीटा में बात करते हैं अपन लोग, तो ट्वेल्थ फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थ्री थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। इसी तरह कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखो तो क्या हो जाएगा? फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला लिखूँ मैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ नोट दीज फॉर्मूलाज, ठीक है ना? ये फॉर्मूले आप लोग जो है नोट कीजिए, ठीक है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने फॉर्मूले। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके यहाँ पे जो हैं, देर आर 63 क्वेश्चंस, ठीक है, तो सभी में आपको लिमिट एवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x अपॉन 5x। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, सिंस ऐसा होता है। तो जो यहाँ पे हो x, वही यहाँ, मतलब जो यहाँ पे हो वेरिएबल वही यहाँ पे वही नीचे होना चाहिए, तभी जाके फॉर्मूला बनेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू जीरो, सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पे इस 5 को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/5 लिख दिया। क्या था यहाँ पे, साइन 3x, यहाँ पे क्या बचा, x बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अपन लोग यहाँ पे अपन लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 3x/3x। तो यहाँ तो सेम टू सेम मिल गया, थीटा से थीटा मिल गया, यहाँ पे करना था दोनों साइड अपन लोग जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ तो 3x हो जाएगा, जीरो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए आपका ये कॉम्बिनेशन जो है इस फॉर्मूले से बिल्कुल मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो 3/5 × 1 क्या हो जाएगा आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, वो 3/5, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि आपने बिल्कुल इसके तरीके से आपने बना दिया, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है कि आपको पहचान में आ जाए किस कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आपको सुटेबल बैठ रहा है, या फिर जो भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो डिग्री में है यहाँ पे एक्स डिग्री है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो नहीं, एक्स डिग्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। क्या करना है, डिग्री को रेडियन। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री आप क्या रखते हैं, 180, सॉरी आपको बता रहा हूँ जी, पाई, मतलब कि 180 डिग्री जो होता है उसको आप पाई रेडियन लिखते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है ना, क्लियर है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्लियर है। तो x डिग्री क्या हो जाएगा बेटा आपका, x का मल्टीप्लाई पाई x अपॉन 180 रेडियन। तो आपको ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन, यहाँ के लिख देंगे पाई अपॉन 180, पाई x अपॉन 180 और अपॉन में x। तो बेटा आप फॉर्मूला ये बनाने के लिए, ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे साइन वाला, तो जो यहाँ पे है वो अपॉन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये कहानी बन जाएगी। अब जो यहां पे है वही यहां पे है, देखिए बेटा यहां पे x टेंस टू जीरो होगा तो यहां पे पाई x अपॉन 180 टेंस टू भी जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे आपका लिमिट वही आ गई, पाई एक्स अपॉन 180 टेंस टू जीरो। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1। तो पाई अपॉन 180 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पाई अपॉन 180, चेक कर सकते हैं आप आंसर, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। और फिर मैं जो है इसके लिए लिमिट यही है, इसके लिए लिमिट है, तो यहां तो क्या लग जाएगा बेटा, फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि जो यहां पे है सॉरी स्क्वायर जो यहां पे है वही नीचे है, तो देखिए फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए बेटा यहां पे जैसे मैं लिमिट यहां पे चेंज करूँ अलग अलग करूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए आप लोग कि एक्स टेंस टू जीरो है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगा, तो एक्स स्क्वायर टेंस टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, और यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी रखिए एक्स की वैल्यू तो बन ही आएगा, तो यहाँ पे वन आएगा और यहाँ पे भी वन, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका वन, क्लियर है। तो ये आपका आंसर है क्या, इसका इसका आंसर आपका ये है, और फर्स्ट वाले का आपका 3.5, आप चेक कर सकते हैं आंसर। वीडियो को रोक करके बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए वीडियो को और आंसर चेक कर लीजिए, पहले का 3/5, दूसरे का पाई अपॉन मल्टी, तीसरे का वन आंसर, क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन सॉरी 3x साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आ रहा है 3x आ रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं 1/3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वही एक्स यहाँ पे चाहिए, तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिख दिया और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉज एक्स लिख दिया। देखो बेटा तो एक ये फॉर्मूला बन गया आपका और एक ये फॉर्मूला बन गया, तो 1/3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 3 sin x माइनस 4 sin 3x अपॉन एक्स। तो देखिए बेटा आप यहां पे गौर से देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है अभी आप मैंने लिखवाया था आपको वीडियो के शुरुआत में, 3 sin x माइनस 4 sin 3x, ये फॉर्मूला होता है sin 3x का, किसका होता है sin 3x अपॉन एक्स। अब जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए, तो 3x है तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से डिवाइड, तो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म बन गई बेटा, यहाँ पे आपकी फॉर्म बन गई लिमिट x टेंस टू जीरो 3 आप कॉमन ले लेंगे, क्या बचा sin 3x अपॉन 3x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1, तो 3 × 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या आया 1/3, इसका आंसर क्या आया 3। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो टेन 8x अपॉन साइन 2x, टेन 8x अपॉन साइन 2x, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा टेन अकेला हो साइन अकेला हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो इस फॉर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अपन लोग एक्स से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी एक्स से डिवाइड किया और यहाँ पर भी एक्स से डिवाइड किया, क्लियर कहानी। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो यहाँ पे एंगल होता है वही यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं यहाँ क्या लिख दूँ 8 tan 8x, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, और यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए बेटा ये आपकी फॉर्म बन गई, यहाँ पे ये फॉर्म बन गई, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने 8 कॉमन निकाला, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन 8x अपॉन 8x,
यहाँ पे टू बाहर निकाला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स। देखिए ये इससे सॉरी ये टू वन जाए टू, टू फोर जाए एट, तो यहाँ पे क्या आएगा फोर, इसकी वैल्यू क्या आ गई वन और इसकी वैल्यू क्या आ गई वन, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर, क्या हो जाएगा आंसर फोर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कितना आया बेटा फोर, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवन्थ कर लेते हैं, वीडियो को रोक करके आप जल्दी से नोट करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ भी इसी फॉर्म का है, आप लोग कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एम एक्स अपॉन टेन एन एक्स, ठीक है। तो देखिए बेटा टेन के साथ अपॉन में एक्स चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एम एक्स है, तो मैंने एक्स से यहाँ डिवाइड कर दिया, और टेन एन एक्स है तो मैंने एक्स से डिवाइड यहाँ कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे m चाहिए तो m से मल्टीप्लाई, m से मल्टीप्लाई, यहाँ पे m से डिवाइड, फिर यहाँ n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड, तो ये आपकी फॉर्म बन गई। तो देखिए बाहर निकलने क्या बचा आपके पास, m अपॉन n बचा। लिमिट x टेंस टू जीरो यहाँ पे क्या होगा टेन एम एक्स अपॉन एम एक्स, यहाँ पर टेन एन एक्स अपॉन एन एक्स, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो m अपॉन n इंटू इसकी वैल्यू बन इसकी वैल्यू बन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा m अपॉन n बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही वैरायटी के हैं, आपको जल्दी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर एट्थ और नाइन्थ बिल्कुल इसी इन्हीं क्वेश्चन जैसे हैं, आप लोग करके आइए, ठीक है, और नहीं आए तो फिर आप हमको बताइए। क्वेश्चन नंबर टेंथ हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या बोल रहा है, लिमिट एक मिनट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेवन एक्स कॉज एक्स, सेवन एक्स कॉज एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन फोर एक्स प्लस टेन एक्स। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए कि साइन एक्स अकेला है और टेन एक्स अकेला है, तो अपन लोग डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो जीरो अपॉन जीरो की कंडीशन बन रही है। अगर अपन लोग साइन एक्स के अपॉन में एक्स लेके आ जाएं और टेन एक्स के अपॉन में एक्स लेके आ जाएं तो आपकी फॉर्म बन जाएगी, क्लियर है, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो यहां पर मैं क्या बताने वाला हूं कि अगर अपन लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स से डिवाइड कर दें, क्या करते हैं एक्स से डिवाइड, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेवन एक्स कॉज एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, इसमें भी अपन लोगों ने एक्स से डिवाइड कर दिया, और फोर एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें भी अपन लोगों ने एक्स से डिवाइड कर दिया। एक्स से डिवाइड करने से क्या हुआ, देखिए बेटा यहाँ पे इसमें एक्स से डिवाइड करें, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, सेवन कॉज एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेवन कॉज एक्स, और यहाँ पे थ्री साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे एक्स से एक्स डिवाइड होगा क्या हो जाएगा फोर, यहाँ पे टेन एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए बेटा ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। तो देखिए बेटा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, कॉज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वन, थ्री का थ्री साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन, फोर का फोर प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सेवन बन जाए सेवन माइनस थ्री बन जाए थ्री अपॉन फोर प्लस वन कितना जाएगा फाइव, तो सेवन माइनस थ्री कितना जाएगा फोर अपॉन फाइव बेटा आपका आंसर हो जाएगा, फोर अपॉन फाइव आपका आंसर रहेगा, क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म बनी थी आपकी साइन एक्स अपॉन एक्स की, यहाँ पर टेन एक्स अपॉन, इसको फॉर्म बनाने के लिए अपन लोगों ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अपन लोगों ने क्या किया एक्स से डिवाइड किया। जब एक्स से डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा सेवन कॉज एक्स, यहाँ पे थ्री साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे फोर और प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स, तो ये फॉर्म आपकी बन गई, ये फॉर्म बन गई और ये फॉर्म बन गई। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू बनाएगी, यहाँ वैल्यू बनाएगी, यहाँ वैल्यू बनाएगी, इसको सॉल्व किया तो कितना आया फोर अपॉन फाइव बेटा आपका आंसर आ गया। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं मैं आपको, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स अपॉन कॉज सी एक्स माइनस कॉज डी एक्स। देखिए बेटा इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए हो गया, वीडियो को रोक करके नोट करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11th में अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करता हूँ जीरो, तो यहाँ पे जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है, और यहाँ पे साइन और अगर टेन होता तो अपन लोग डिवाइड में x लाने की कोशिश करते जो यहाँ पे एंगल हो, लेकिन कॉज ही कॉज है, क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे? तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? देखो बेटा यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कॉज सी माइनस कॉज डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड साइन सी माइनस डी अपॉन टू, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप जो है यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आपके लिखेंगे माइनस के टू साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन टू एंड साइन ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन टू, और यहाँ पे बेटा माइनस का टू कॉज, सॉरी क्या आएगा, साइन सी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन टू एंड साइन इंटू साइन सी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन टू। माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट। देखिए बेटा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू एक्स अपॉन टू आ गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन टू इंटू एक्स, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन टू इंटू एक्स, यहाँ पे साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू एक्स साइन सी माइनस डी अपॉन टू इंटू एक्स। अब साइन जो एंगल है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म बनेगी, तो एंगल लाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कीजिए बेटा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आप क्या कीजिए यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू इंटू ए माइनस बी बाई टू से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी ए माई प्लस बी बाई टू इंटू एक्स, क्लियर है? इससे आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है, मतलब साथ में आप जो है एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो आप जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो अभी बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी अपॉन टू इंटू एक्स, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन टू इंटू एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन टू इंटू एक्स। सिमिलरली आपने जो है यहाँ पे क्या किया, सी प्लस डी इंटू अपॉन टू इंटू सी माइनस डी अपॉन टू से आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड आप कैसे करेंगे, साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू एक्स अपॉन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू एक्स, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी अपॉन टू इंटू एक्स सी माइनस डी अपॉन टू इंटू एक्स, क्लियर है? तो देखिए बेटा इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो इन्होंने डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साथ में एक्स से इसमें भी डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड किया, एक्स से इसमें डिवाइड किया तो नीचे भी आपने डिवाइड किया, मतलब एक्स स्क्वायर से आपने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, पर एक्स एस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर है? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। वीडियो को रोक कर जल्दी से नोट कीजिए, इसको वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। मैं इसको मिटाने वाला हूँ 10th वाले को, हाँ बेटा। तो यहाँ पे जो है लिमिट यहाँ पे आपकी फॉर्म बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर लिमिट एक्स टेंथ, यहाँ पे बेटा जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, और इसकी वैल्यू ही वन हो जाएगी, क्लियर है? तो इंटू वन इंटू वन अपॉन में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी अपॉन में क्या जाएगा फोर इंटू वन इंटू वन, इसकी वैल्यू ही वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि फार्मूला आपको पता ही है, क्या पता है फार्मूला, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो
साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाता है, वन, क्या हो जाएगा, वन, क्लियर है। तो यहाँ पे कहाँ रहे, तो फोर से ये फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर, क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से हैशटैग लगा लीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, सबसे पहले कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया, ये फॉर्म आपकी बन गई, फिर मैंने इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब जो यहाँ पे है वो आपके इसके अपॉन में होना चाहिए, तो अपॉन में जैसे ही लिखा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसके अपॉन में होना चाहिए, अपॉन में क्या, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक्स यहाँ लिखा, एक्स लिखा तो एक्स अपॉन में भी आ रहा है, क्लियर है। सेम प्रोसेस अपन ने यहाँ पे की, क्लियर है, मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, क्लियर है। जब यहाँ पे कहानी आई तो फिर यहाँ पे जो c प्लस डी अपॉन टू था उससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, c माइनस डी डी बाई टू लाने के लिए c माइनस डी अपॉन टू से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। वीडियो को रोक कर जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर अपन लोग अब ट्वेल्थ करते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहां दिमाग लगाना है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, आप इसको क्या लिख देंगे, टेन थ्री एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ जो एंगल जो यहाँ पे है आपका ये 3x, वो नीचे भी होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 3 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब इस 3 को आपको हटाना है, 3 जब बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर रूप में निकलेगा बाहर, तो लिमिट x टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, टेन 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, ये आपकी फॉर्म बन गई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, ठीक है, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। वीडियो को रोकर जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ फिर मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉच एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जल्दी से वीडियो को रोक करके जल्दी नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, यहां पे आपको मैंने अभी फॉर्म बताई थी, क्या बताई थी फॉर्म, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या है, एम एक्स है, तो थीटा की प्लेस पे क्या हो जाएगा, एम एक्स वाई 2। तो देखिए बेटा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं क्या लिख दूंगा, 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एक्स अपॉन 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो आप 2 बाहर निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अपन ने होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब गौर से देखिए बेटा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मेरे को यहाँ पे एम अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है, और नीचे भी एम अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये चीज और ये चीज सेम बन गई आपकी, एम एक्स वाई 2 यहाँ पे एम एक्स वाई 2 स्क्वायर लगा हुआ, एम बाई 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एम बाई 2 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, तो लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे साइन एम एक्स वाई टू अपॉन एम एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, ये आपकी फॉर्म बन गई। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे टू का टू लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर बाई फोर इंटू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन का स्क्वायर, टू वन जाए टू टू जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा एम स्क्वायर बाई टू इंटू वन, तो आंसर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बाई टू, ये बेटा आपका आंसर होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लियर है, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर और जरूर करते रहिए, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को रोक करके जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।